हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ पांच मेन हार्मोन्स जो हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलेटेड हैं। और आपको मैं बता दूँ, अगर ये पांच हार्मोन के बारे में आपने ठीक से समझ लिया तो संभव है एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नीट में, गारंटेड। देखिए, पहला हार्मोन है गेस्टिन। ये जो गेस्टिन हार्मोन लिखा हुआ है, नाम से पता चल रहा है गेस्टिन मतलब स्टमक में काम करेगा। ये हार्मोन स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है तो उनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है तो स्टमक को डाइजेशन का काम करता है, यानी कि गैस्ट्रिक रीजन में गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए गेस्टिन, सब कुछ गैस्ट्रिक लिखा हुआ है। दूसरा है एंटीरोगेस्ट्रॉन मतलब गैस्ट्रिन हार्मोन के अगेंस्ट काम करता है। जब स्टमक में डाइजेशन को रोकना होता है, या ये कह सकते हैं जब स्टमक का भोजन इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो स्टमक में डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होगी, स्टमक में कुछ बचा ही नहीं, और जब स्टमक खाली हो जाएगा तो गैस्ट्रिक जूस का निकलना बंद होना चाहिए। यानी कि जो एंटीरोगेस्ट्रॉन हार्मोन है, ये एंटीरोगेस्ट्रॉन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट करता है, रोकता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन बंद हो जाता है। अब तीसरा हार्मोन आता है कॉलीसिस्टोकाइनिन। ये बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन है, कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन और एक सिक्रेटिन, दो ऐसे हार्मोन है। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों का, बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन ये गाल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है तो बाइल जूस निकलता है, या ये कह सकते हैं बाइल जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम ये करता है कॉलीसिस्टोकाइनिन। गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा तो इससे बाइल जूस निकलता है, और बाइल जूस क्या काम करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन ड्यूओडेनम में। अब बात आती है कॉलीसिस्टोकाइनिन पैंक्रियाज़ाइमिन। अगर पैंक्रियाज़ाइमिन नहीं भी लिखा है तो भी कॉलीसिस्टोकाइनिन क्या काम कर सकता है, ये पैंक्रियाज पे भी असर डालता है, और पैंक्रियाज से निकलने वाले जो एंजाइम है, एंजाइम ऑफ पैंक्रेटिक जूस, यानी कि पैंक्रेटिक जूस में जो पैंक्रेटिक एंजाइम होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है कॉलीसिस्टोकाइनिन या कॉलीसिस्टोकाइनिन पैंक्रियाज़ाइमिन। ध्यान रखना है कि कॉलीसिस्टोकाइनिन गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, साथ ही साथ पैंक्रियाज पे क्या असर डालता है, पैंक्रियाज से केवल एंजाइम निकालता है, पैंक्रेटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन यही है। अब बात आती है लास्ट हार्मोन है, दैट इज सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन का काम भी सीधे पैंक्रियाज पर है। सिक्रेटिन हार्मोन क्या काम करता है, पैंक्रियाज पर असर करता है, और पैंक्रियाज से निकलने वाला, पैंक्रियाज से वाटर को और बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाता है, यानी कि पैंक्रियाज से निकलने वाले पैंक्रियाटिक जूस का जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम में मेन मात्रा वाटर की होती है, तो हम कह सकते हैं वाटर और बाइकार्बोनेट जो पैंक्रियाज से निकलता है, वाटर और बाइकार्बोनेट जो पैंक्रियाज से निकलता है उसका कारण है सिक्रेटिन हार्मोन। फिर सुन लें, गैस्ट्रिन स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। एंटीरोगेस्ट्रॉन गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को रोकने का काम करता है। कॉलीसिस्टोकाइनिन गाल ब्लैडर से बाइल जूस निकालता है, और कॉलीसिस्टोकाइनिन पैंक्रियाज से पैंक्रेटिक एंजाइम निकालता है। सिक्रेटिन जो होता है वो पैंक्रियाज से बाइकार्बोनेट प्लस वाटर को रिलीज कराता है। ये कर लो, एक क्वेश्चन आपका पक्का है। थैंक यू।